इस चीज को सिर्फ एक बार लगा लें, आपके बाल दुगनी व तिगनी तेजी से लंबे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बालों को लंबा व घना बना सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में यह परेशानी हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाने लगी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, इसका पहला मेन कारण यह होता है, अधिक मात्रा में अनहेल्दी डाइट खाना, जिसकी वजह से आपके बालों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और आपके बाल छोटे और घने भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अक्सर लोग चिंतित होकर के तनाव में आकर तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीरम इस्तेमाल करते हैं, हेयर जेल इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके बालों में दुगनी व तिगनी तेजी से केमिकल समा जाता है और उनके बालों का टूटना व झड़ना स्टार्ट करता ही है। साथ ही साथ उनके सफ़ेद बालों की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और सुधार होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये चीज़ है क्या और आपको किस प्रकार से इसको इस्तेमाल में लेना है और किस प्रकार से इस्तेमाल में लगाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, सबसे पहले लेना है आपको एक क्लीन बाउल, कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल में लेना है, वो दोस्तों बेहद ही खास है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों हमारा ये नीम का तेल। नीम के तेल में दोस्तों कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके बालों में जो जुए होते हैं उनको मार गिराता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इसे इतना सा ले लेना है और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा नीम का तेल। देखिए दोस्तों, एक चम्मच के तकरीबन आपको नीम का तेल ले लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल में लेना है, वो दोस्तों आपके घर पे ही आपको आसानी से मिल जाएगा, वो है दोस्तों हमारा ये है दोस्तों क्लिनिक प्लस का शैम्पू। दोस्तों, शैम्पू में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, सिलेनियम, पोटेशियम, सोडियम कार्बोसिडियम, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके बालों को एक नई चमक देता है। तो आपको इसे इतनी सी मात्रा में ले लेना है। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको किसी भी जनरल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे ₹1 में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको एक चम्मच के तकरीबन इसे ले लेना है। अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल में लेना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो है दोस्तों हमारा ये मेथी दाना। मेथी दाने में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, सिलेनियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और दोस्तों कुछ ऐसे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को कम करते हैं, साथ ही साथ आपके चेहरे से झाइयों में झुर्रियों की समस्या को दूर करते हैं और आपके बालों का टूटना व झड़ना रोकते हैं और आपके बालों के ग्रोथ को दुगनी व तिगनी तेजी से बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ ये आपके सफ़ेद बालों को भी जड़ से काला करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसका पाउडर कुछ इस प्रकार से तैयार कर लेना है और आपको इसे कम से कम इतनी सी मात्रा में ले लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो महिलाएं हैं वो अपने बालों के अनुसार ही इस नुस्खे को तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये ले लिया है। अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से यूँ चला लेना है। ठीक है दोस्तों, चला लेने के बाद दोस्तों ये नुस्खा आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे का वो किस प्रकार से इस्तेमाल में लेना है और किस प्रकार से लगाना है और कब कब इस्तेमाल में लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने बालों में केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और दूसरी बात ये दोस्तों, आपको बाहर का अनहेल्थी डाइट नहीं लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे का किस प्रकार से इस्तेमाल में लेना है। दोस्तों, आपको इस नुस्खे को लेना है और अपने बालों की जड़ों में कुछ इस प्रकार से लगा लेना है और आपको इसे जड़ों से लेकर सिरे तक लगा लेना है और आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है। 5 मिनट मसाज करने के बाद दोस्तों, आपको इसे आधे घंटे तक यूं ही लगे छोड़ देना है। आधे घंटे यूं ही लगे छोड़ देने के बाद दोस्तों, आपको अपने बालों को साफ पानी से धो लेना है और आपको दोस्तों इस नुस्खे को कम से कम हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। 2 बार इस्तेमाल करने के साथ ही दोस्तों, आप देखेंगे आपके सफ़ेद बाल की समस्या दूर हो चुकी है और आपके बालों को टूटना झड़ना भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और आपके बालों की ग्रोथ दुगनी व तिगनी तेजी से बढ़ने लगी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो
पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स या मित्र इस परेशानी से जूझ रहा हो, उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी फ्री में मदद हो सके। और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।